चावल जो है वो भिगो के रखे थे 10 मिनट, भिगो के इन द सेंस पानी निकाल देती हूँ मैं, जस्ट गीले करके रखती हूँ क्योंकि इनको भिगो के रखो फिर राइस टूटने शुरू हो जाते हैं, जब हम पुलाव बनाते हैं वो टूट जाते हैं। और थोड़े से मटर हैं और इसमें एक आलू जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं मैं ऐड करूँगी। और जब से उसकी स्कूल स्टार्ट हुई है 1 वीक हो गया है, तो उस दौरान उसने नमकीन चावल नहीं खाए हैं और उसके नमकीन चावल फेवरेट हैं कर्ड के साथ, लेकिन कर्ड मैं स्कूल भेजती नहीं, मुझे लगता है खट्टा ना हो जाए, बट उसकी बहुत पुरजोर डिमांड है। तो फर्स्ट टाइम ये मेरा ट्राई होगा, देखूंगी कि कर्ड खट्टा होता है या नहीं होता है, कैसे टिफिन वापस आता है। तो फटाफट से नमकीन राइस बनाती हूँ। सो यहाँ गाइज, आज की जो मॉर्निंग थी ज़्यादा होच पोच वाली नहीं थी, क्योंकि लंच कुछ ज़्यादा खास नहीं बन रहा था। एक्चुअली नमकीन चावल हरित्वी के फेवरेट हैं, जब उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाया जाए, लेकिन वो जब से स्कूल जा रही थी तब से मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि उसको खाने होते हैं रायता के साथ और मुझे लगता है कि स्कूल अगर मैं रायता भेजूंगी तो फिर वो खट्टा सा हो जाएगा। दैट्स वाई मैं भेजती नहीं हूँ कभी भी उसके साथ कर्ड, लेकिन इस बार उसने बहुत इंसिस्ट किया, दैट्स वाई मैंने बनाना शुरू कर दिया। मैं कोई ज़्यादा रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि नमकीन चावल तो हर कोई बना ही लेता है, लेकिन कहीं ना कोई ऐसा बंधु मेरे जैसा तो होगा ही ना, जब वो पहले बनाता है थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि आप हरित्वी के खाने में कौन सा तेल यूज़ करते हो, तो मैं मोस्टली उसका जो खाना है वो कच्ची घनी के सरसों के तेल में ही पकाती हूँ, उसको मैं स्मोक करके पहले ही रख लेती हूँ जो हफ्ता दो हफ्ता चल जाए, लेकिन अब मेरा वो ख़त्म था तो मैंने यहाँ पे ये मुझे कंपनी तो भूल गई, ये ऑलिव ऑयल है जिसमें आप चीज़ें फ्राई भी कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे जो है वो उसका तड़का लगा लेती हूँ जब मेरा सरसों का तेल ख़त्म हो रखा हो। अदरवाइज़ जब से हरित्वी की अस्थमा का ट्रीटमेंट हुआ था, बहुत सारे इश्यूज़ थे मुझे एलर्जी को लेके, तो जो भी मैंने तब अपने ओढ़ पोड़ किए थे तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ जो है वो तेल ने ही दिया था, जो खाने वाला तेल होता है, तो मैंने तब से सरसों का तेल ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं बर्तन भी धोए जाऊँगी। एक्चुअली मेरा फंडा ये है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, स्पेशली जब हरित्वी की स्कूलिंग होती है, स्कूल डेज़ होते हैं तब, आगे पीछे तो चलो बंदा लेट हो ही जाता है, लेकिन स्कूल डेज़ जब उसके स्टार्ट होते हैं तो मेरा फंडा ये है कि मैं जल्दी उठती हूँ ताकि अच्छे से आराम से खाना बन सके, आराम से किचन में भी भाग दौड़ना हो, उसकी चीज़ें अच्छे से तैयार हो सके और उसे एक हेल्दी लंच और हेल्दी ब्रेकफास्ट श्योर ये करती हूँ कि उसका ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी रहे और लंच भी उसका हेल्दी रहे। तो यहाँ पे सिंपल प्याज टमाटर का तड़का लगा था और उसके बाद में चावल डाल देने हैं, उसे हल्दी वाला पुलाव पसंद है। तो चावल का फंडा यहाँ पे ये है कि उसको मैं भिगो के 10-15 मिनट नहीं रखती, जस्ट ऐसे ही गीले कर लेती हूँ अच्छे से वॉश करने के बाद, उसे 10 मिनट के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप पानी में चावल को भिगो के रखते हो तो फिर जब आप पुलाव बनाते हो ना तो चावल टूट जाते हैं, दैट्स वाई गीले गीले मैं रखती हूँ। और बस यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ। तो गाइज, ये जो शूट है जो आज से 4-5 दिन पहले का होगा जब आपके पास ये ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि बीच में मैंने कुछ नहीं किया था, उसके अलग से रीजंस हैं, उनको क्या बार बार डिफाइन करना है ना, छोड़ो वो बातें। तड़का अच्छे से हो गया, मैंने चावल डाल दिए, जितने चावल हैं उतना ही मैं पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूंगी ताकि मटर और आलू अच्छे से जो है वो बॉयल हो जाए, वो मैं थोड़ा सा जो है वो पानी ज़्यादा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, वैसे मैं पूरा पूरा पानी डालती हूँ, उस तरह से जो है पुलाव अच्छा सा खिला खिला जो है वो बन जाता है। पानी डालने के बाद हम इसे चावल को अच्छे से घुमाएंगे और अच्छे से इसे घुमा लेना है, और कुकर का ढक्कन अभी नहीं लगाना है। यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट किया था, क्योंकि आई एम नॉट सो मच परफेक्ट इन कुकिंग, स्पेशली नमक वमक में इतनी जो है वो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है ढक्कन नहीं लगाना है, इसको अच्छे से बॉयल आने देना है। स्पेशली जब आप बहुत सारी सब्जियाँ डाल के पुलाव बना रहे हो, तो आपने देखा होगा क्या होता है जब आप पुलाव बंद करते हो तो सारी सब्जियाँ ऊपर ऊपर आ जाती हैं,
इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे है कि अच्छा सा उबाल आने दो चावल में। जब चावल में अच्छा सा उबाल आ जाता है उसके बाद आपको ढक्कन को बंद करना है। और यहाँ पे मेरी चाय चढ़ रही है, चाय वगैरह लेते लेते मैं हरित्वी को उठाती हूँ। जब मैं चाय पीती हूँ तो हरित्वी को उठाती हूँ। आई वॉज़ मिसिंग मिस्टर बहल बैडली हेयर बिकॉज चाय की लत मुझे उन्हीं से लगी उनके साथ बैठ के चाय पीने की। अदरवाइज़ मुझे सुबह की चाय का इतना कुछ नशा है नहीं, तो आई वॉज़ मिसिंग हिम बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस तरह से जब आपके राइस को बॉयल आ जाता है उसके बाद उसको इस तरह से हिलाओ, फिर ढक्कन लगा दो। ढक्कन लगा के 2 सीटी का वेट करो और जब 2 सीटी आ जाती है गैस को बंद कर दो और उसकी भाप को अपने आप निकलने दो। इस ट्रिक से अगर आप पुलाव बनाएंगे तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और सब्जियां बीच में मिक्स रहेंगी। और इससे मैं एक बॉक्स में से बंद कर दूंगी। आज इतना तामझाम नहीं था खाने का क्योंकि बस सिंपल सी हरित्वी को नमकीन राइस लेके जानी है, तो नमकीन राइस उसके फेवरेट है तो उसको कोई मिठाई भी नहीं लेके जानी। अदरवाइज जब वो खाना लेके जाती है लंच तो उसे एक स्वीट चाहिए होती है, तो मैं आज बच गई हूँ। तो ये उसका पैक हो गया है। बदल है आज, गर्मी गर्मी आज ताजी तुझी हवा का कोई लेना देना नहीं है, बड़ी गर्मी सी आज। ये देखो ये गुड मॉर्निंग वाला बच्चा उठ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इसकी भूभी ऐसे खुलती नहीं है, इतनी सी खुलती है ना, ये बोलता ही नहीं है सुबह सुबह। इसने ना टाइम रखा हुआ है बोलने के लिए, है ना, टाइम से बोलता है ये। ऋतवी के उठे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा उसे बाहर लेके आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो। 7 o'clock मैं इसे उठाती हूँ क्योंकि फिर आराम से बच्चा तैयार हो जाता है, होच पोच नहीं होती। हाँ, हरित्वी के मज़ेदार से राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम टिफ़िन बंद कर देते हैं। ये है हरित्वी का लंच बॉक्स का बैग, इंसुलेटेड बैग है ये। और इसको स्कूल स्टार्ट होने की न्यूज़ पे मैंने ख़रीदा था क्योंकि पुराने वाला फिर थोड़ा पुराना हो गया। इसमें इस तरह से 2 पोर्शन हैं, खुला डुल्ला सा बैग है। समटाइम्स क्योंकि हरित्वी की चटनी वटनी अलग डालनी होती है, मिठाई होती है, तो मुझे ये अच्छा लगा, इसमें काफ़ी जगह है। और यहाँ इसकी आगे फ्रूट, ये एक हाथ से शूट कर रही हूँ ना, थोड़ा टफ है। और ये मैंने इसके 2 स्पून डाल दिए क्योंकि मैं 2 ही डालती हूँ क्योंकि एक से फ्रूट भी खाना है इसको। तो यहाँ इसका फ्रूट आ गया और ये आ गई इसकी कर्ड की डब्बी जो मैंने अलग से इसको बताया है। और ये जो है वो हरित्वी का बैग रेडी है। दिल तो मेरा टूट गया है क्योंकि अभी फिर से न्यूज़ आ रही है कि पंजाब में केसेस आ रहे हैं तो स्कूल नहीं लगेंगे, बंद हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके काम प्रॉपरली अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं आराम से। हरित्वी को भी मैं जल्दी ही उठाती हूँ, जैसे उसकी 8:15 बजे बस आनी होती है तो मैं उसे 7 बजे उठा लेती हूँ आराम से, किडल विडल उसके साथ खेल के प्यार व्यार करके लाडी वाडी, फिर मैं सारे काम करती हूँ। हरित्वी बड़ी हो गई है तो कभी कभी वो खुद अकेली नहा लेती है, कभी कभी वो थोड़ा खुद मस्ती करती है उसके बाद मैं उसे नहाती हूँ। और उस दौरान मैं क्या करती हूँ, अपनी किचन विचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जितना काम मुझसे हो पाए जितना समेट सकूँ उतना मैं समेटने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे कहने को ले दे के हम 2 ही हैं लेकिन फिर भी बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चे के साथ खेलना भी होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट टास्क हम मम्मास के यही होती है कि अपने बच्चे को हम बिज़ी कैसे रखें और बिज़ी भी ऐसे रखें ताकि उनका जो बिज़ीनेस है वो भी उनके लिए हेल्दी हो। तो यहाँ पे मैं किचन के काम समेट रही थी और इसी टाइम पे जो है वो हरित्वी अपना वॉशरूम में मस्ती कर रही थी। एक्चुअली आज हरित्वी के स्कूल का लास्ट डे था क्योंकि आज मैसेज आ गया था कि अब स्कूल बंद हो जाएंगे, तो मैंने आज सोचा चलो ये मैंने शूट करके रखा है तो आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी, प्लीज़ आप हरित्वी का लंच बताएं, हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह से मेन्यू सेटअप करें। तो वो तो नहीं हो पाया, उसका पहला दिन भी नहीं शूट हो पाया क्योंकि तब मैं बहुत होच पोच में थी, फटाफट में थी, उस दिन बारिश बहुत थी, पहला दिन था तो कुछ अच्छे से आइडिया नहीं था बस कब आएगी। तो पहला दिन तो नहीं, आखिरी ही सही, या पहली वीडियो नहीं तो आखिरी ही वीडियो आपके साथ में उसकी शेयर कर रही हूँ।
अच्छा लगता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत अच्छा रूटीन भी रहता है, बहुत अच्छा सारा टाइम रहता है। हाँ मैं रोती बहुत हूँ जब हरित्वी स्कूल जाती है, पता नहीं क्यों। हरित्वी तो इतनी एक्साइटेड होके स्कूल जा रही है, जाती है, पर मैं उसे बस चढ़ाने के बाद मुझे ऐसा हो जाता है ना कि हाय पता नहीं कौन सी चीज़ किसी ने मुझसे छीन ली, और इसी चक्कर में बीपी वीपी लो करवा के बैठ जाती हूँ मैं। बट स्कूल पता नहीं कब से चीज़ें नॉर्मल होंगी, कब होंगी। इस कोविड ने तो मतलब बच्चों की पढ़ाई का भी सत्यानाश कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम का तो पंजाब में वैसे ही सत्यानाश है, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, कोई काम धंधा नहीं है, पढ़ लिख के सब बेकार हो रखा है। तो अब ये रहा, कहते हैं ना, बची खुची कसर जो है वो कोविड ने निकाल ली है। और यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल फिल कर ली है, क्योंकि मैं भी हरित्वी के साथ ही नीचे निकल जाऊँगी शॉप पे, तैयार श्यार होके एकदम से नहा धो के रेडी शेडी होके। बर्तन वर्तन समेटते हुए, लंच पैक करते हुए हरित्वी जो है खुद नहाने चली जाती है। ये देखिए आवाज़ें आ रही है ना, अब वो अपना नहा ली है, मतलब अपना उसने खेलना जो था जो खेल लिया, अब मैं जाके उसको अच्छे से साफ़ करके नहलाऊंगी। अब हम तैयार श्यार हो के दोनों शॉप पे आ गए थे, और यहाँ पे हरित्वी की फाइनल रिवीजन चल रही थी, और अब साथ साथ बस का वेट होता है। तब तक हरित्वी अपना फटाफट से जो है सब कुछ रिवाइज़ कर लेती है। सो आज का व्लॉग यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और बाकी आपको पता ही आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच गाइज़।